नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की युवा कलाकार सलोनी सोशल मीडिया में मचा रही है धूम। क्षेत्र के साथ झारखंड का नाम कर रही है रोशन। कुरमाली एल्बम नाचोब मादल ताले से बागमारा गांव की सलोनी संस्कृति को बचाने का कर रही है कार्य। और अब खबर विस्तार से। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की युवा कलाकार सोशल मीडिया में धूम मचा रहे हैं। युवा कलाकार रोजगार से जुड़ने के लिए एल्बम बनाकर यूट्यूब में डालकर कमाई कर रहे हैं, साथ ही अपने क्षेत्र का नाम रोशन व संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। कुरमाली संस्कृति को बचाने के लिए चक्रधरपुर प्रखंड के बागमारा गांव निवासी सलोनी महतो कुरमाली एल्बम बनाकर एवं उसे सलोनी महतो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में डालकर रोजगार के साथ साथ विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने का काम कर रही है। सलोनी महतो ने कुरमाली गीत नाचोब मादल ताले एल्बम का शूटिंग मंगलवार को चक्रधरपुर के पंपू डैम में किया, ताकि एल्बम के जरिए क्षेत्र के मनमोहक दृश्य को लोग देख सकें और आने वाले दिनों में पर्यटकों का जमावड़ा चक्रधरपुर में हो सके। एल्बम पूरी तरह क्षेत्रीय कुरमाली भाषा से सुसज्जित है। इससे पहले भी सलोनी अपने क्षेत्रीय भाषा नागपुरी कुरमाली गीतों के एल्बम में काम कर चुकी है। कुरमाली संस्कृति को बचाने को लेकर सलोनी के माता पिता और भाई का अहम योगदान है। कलाकार सलोनी महतो ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहकर अच्छा काम करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन संस्कृति से जुड़े महत्व को बताने के लिए कुरमाली एल्बम का निर्माण किया, जिसमें लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना भविष्य बना सकते हैं। सलोनी ने बताया कि इस एल्बम गीता में मुख्य कलाकार के तौर पर हम और रेखा महतो हैं, जबकि बाल कलाकार में ईशान डायरेक्टर, सिनेमैटिक में वाहिद, प्रोड्यूसर में सलोनी महतो, सिंगर में पोमी मोहंता, लिरिक्स कंपोजर में प्रशांत कुमार, म्यूजिक में दीपू भाई, मिक्स मास्टर और एडिट म्यूजिकल में साजिद, रिकॉर्डर में आरके स्टूडियो, मैनेजमेंट में सलोनी महतो, वकीशन बहादुर तथा प्रतिभा, मोनिका, प्रियंका, जूली, मोहित, अमरजीत, रोहन आदि का योगदान रहा है। इधर शूटिंग को देखने के लिए आसपास ग्रामीणों के भीड़ उमड़ पड़ी। अब आइए देखते हैं सलोनी ने क्या कहा। जोहार, मैं हूँ सलोनी महतो और हाल ही में मेरा एक सॉन्ग आया हुआ है नाचो मादल ताले। इस सॉन्ग पर मैं, मेरी बहन रेखा महतो और मेरे भाइयों ने मिलकर काम किया है और इस सॉन्ग को गाया है पोमी मोहंता ने और म्यूजिक में काम किया है दीपू भाई ने। इस सॉन्ग का जो शूट हुआ है वो हमारे ही चक्रधरपुर के पंपू डैम पर शूट हुआ है, जिसमें शूट किया है सिनेमैटिक वाहिद ने। और इस सॉन्ग पर जितना भी मैनेजमेंट का काम, मतलब जैसे हर एक एक चीज को कब क्या यूज होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों पर ध्यान दिया है हमारे किशन भैया ने, जिसमें मैनेजमेंट का पूरा काम उन्होंने ही संभाला है। और मेरा ये गाना बनाने का बस एक ही मकसद है कि मैं अपना कल्चर को आगे लेके आऊं, मेरा संस्कृति को बचाऊं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा क्षेत्रीय जो भाषा है, मेरा क्षेत्र में जो जो होता है, ये सारी चीजें लोगों को पता चले। इसी मकसद की वजह से मैं ये गाना बनाई हूं और लोकेशन भी इसलिए मैंने अपने ही शहर का चुना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हमारे चक्रधरपुर भी बहुत अच्छा है। तो बस मेरा यही मकसद रहा है और मैं इस बात को रखूंगी कि सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं कि नहीं कुछ हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, और चाहे आप किसी भी फील्ड पे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप मेहनत से करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। तो मुझे आप लोगों से बस सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं मुझे भी, क्योंकि मैं भी दिन रात मेहनत करती हूँ इसीलिए ही कि आप लोगों का प्यार पा सकूं। ढेर सारा मुझे प्यार दें, मेरे गाने को प्यार दें, ताकि मैं और आगे जा के और अच्छे अच्छे गाना ला सकूं और अच्छे अच्छे चीजों को मैं दिखा सकूं आप लोगों के सामने। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो। बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी काम आसान नहीं होता है, हर काम के पीछे मेहनत होती है, हर काम के पीछे लोगों की बातें होती है, हजारों तरीकों की मुसीबतें होती है, सबको चीर के आगे निकलना होता है। बस आप लोग भी ऐसे ही डेडिकेशन करिएगा तो आप लोग भी आगे बढ़िएगा, मैं भी आगे बढ़ूंगी आप लोगों के सपोर्ट से। तो धन्यवाद सभी को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे भैया को, उनके वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। उन्होंने काफी मदद की है मेरे यहाँ तक आने की इस सफर में, और मेरे पूरे परिवार को, मैं खास करके मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, जितने भी लोग हैं, सभी को मेरा बहुत ज्यादा धन्यवाद। और सबसे ज्यादा किशन भैया, उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, तो उनको भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।
लोगों को जोहार। तो मैं हूँ सिनेमैटिक वाइड। तो अभी कल एक एल्बम रिलीज हुआ है जो कि कुड़माली एल्बम है, जिसका नाम है नाचो मादल ताले, जो कि बहुत ही प्यारा गाना है, जिसकी गायिका है पोमी मोहंता और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं दीपू भाई। तो बहुत ही बढ़िया म्यूजिक दिया इन्होंने और पोमी जी ने बहुत ही अच्छा गाया है। और इसमें काम की हुई है सलोनी महतो, रेखा महतो, छोटा सा बच्चा जिन्हें आप देखे होंगे, काफी प्यारा बांसुरी का सीन उन्होंने किया है जिसका नाम है ईशान किशन। ईशान भाई ने भी बहुत ही अच्छा काम किया और मतलब प्रतिभा, जूली, मोनिका और भी लड़कियां थी जो कि बहुत ही अच्छा काम की, बहुत ही मेहनत की। मैं धनबाद से चक्रधरपुर जाकर शूट किया, मेरे को स्पेशली चक्रधरपुर बुलाया गया था क्योंकि जो प्रोड्यूसर है सलोनी महतो, उनका कहना था कि वो अपने कल्चर को, अपने एरिया को थोड़ा मतलब दिखाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। तो पंपू डैम एक जगह है जो कि काफी प्यारा लोकेशन था, शूट करने में बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छा लोकेशन था। मैंने बोला सलोनी जो कि आखिर ऐसा क्या है उस जगह पे, तभी उन्होंने बताया कि आकर आप एक बार देखिए। और रियली में हम लोग वहां पे गए, काम किए, शूट किए, बहुत अच्छा लगा। और हर एक चीज को मैनेज करना, मतलब किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, वो कोई किशन भैया से सीखे। किशन भैया बहुत ही बढ़िया मैनेज किए हैं इस चीज को। मतलब कुछ भी शूट पे चाहिए तो वो तुरंत ला कर देना, इससे पहले आगे बाद क्या होने वाला वो तुरंत पहले से ही अरेंज कर रखना, मतलब हर एक चीज को करके रखते थे भैया, किशन भैया, बहुत ही अच्छा लगा। तो सब लोगों ने काफी अच्छा काम किया। स्पेशली मैं उस बच्चे ईशान की बात करना चाहूंगा, ईशान जिसका मतलब शूट के दौरान वो मतलब पैर में कांच गड़ जाने के कारण काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था, उस बीच में मतलब पैर कटा हुआ है, काफी दर्द हो रहा उस बच्चे को, और तब भी वो लड़का अपना फेस का रिएक्शन, फेस का एक्सप्रेशन जो भी देना था काफी अच्छा, बहुत ही बढ़िया से वो अपना काम को निभाए हैं। तो स्पेशली थैंक्स हम ईशान के मम्मी पापा और ईशान भाई को देना चाहेंगे। और काफी अच्छा लगा शूट करके, बहुत ही प्यारा गाना है नाचो मादल ताले, जो कि सलोनी महतो ऑफिशियल चैनल पे आया हुआ। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें।